उर्दू दुनिया के नाजरीन नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान की तरक्की का वक्त शुरू हो गया। पाकिस्तान आजरबाईजान से भी जमीनी रास्ते से जुड़ गया है। कैसे और क्या चीज पाकिस्तान ने आजरबाईजान को भेजी है आपको बताते हैं। नाजरीन, कल ये खबर ब्रेक हुई थी कि पाकिस्तान ने जमीनी रास्ते से तुर्की को ट्रकों के जरिए सामान भेज दिया है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान तवील अरसे से ये मंसूबा था कि तीनों ममालिक को जोड़ा जाए और एक कॉरिडोर बनाया जाए जिसके तहत तीनों ममालिक जमीनी रास्ते से एक दूसरे के साथ तजारत करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय वो हमें कमेंट के जरिए आगाह जरूर किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। नाजरीन, पाकिस्तान तुर्की के साथ समंदरी रास्ते से तजारत करता आ रहा है जिससे पाकिस्तान को सामान लाने और ले जाने में 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है। इस रास्ते से एक तो वक्त ज्यादा लगता है और दूसरा ईंधन की मद में खर्चा भी ज्यादा होता है जिससे माल की कीमत भी बढ़ जाती है और फरोख्त कम हो जाती है। यानी अगर तुर्की में पाकिस्तानी अशिया की कीमतें ज्यादा होंगी तो लोग असद कम खरीदेंगे, लेकिन अगर यही अशिया सस्ती हो जाएं तो ना सिर्फ इनकी फरोख्त में इजाफा होगा बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अशिया की मांग भी बढ़ेगी। ये रूल दरअसल चीन फॉलो करता है। अब पाकिस्तान ईरान के रास्ते तुर्की जाएगा तो पाकिस्तान 10 दिन में तुर्की पहुँच जाएगा जिससे एक तो वक्त की बचत होगी तो दूसरा ईंधन की बचत भी होगी जिससे सामान सस्ता दिया जाएगा। अब तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान ने भी आजरबाईजान को जमीनी रास्ते से अपना सामान भेजा है। ये सामान पहले तुर्की जाएगा, वहाँ से फिर आजरबाईजान को भेजा जाएगा। नाजरीन, इस कॉरिडोर के तहत बाद में ITI ट्रेन भी चलाई जाएगी जिसकी मुरम्मत का काम जारी है, जिससे तजारत भी बहुत तेजी से बढ़ेगी जिससे रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इस खबर की मजीद तफसील हम आगे जाकर देखेंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों एक खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तान, तुर्की और आजरबाईजान की मुश्तरका फौजी मशकों की इफ्तिताही तकरीब बाकू में मुनाकिद हुई है। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक तीन ममालिक की मुश्तरका फौजी मशकों की मेजबानी आजरबाईजान ने की। फौजी मशकों में पाकिस्तान, तुर्की और आजरबाईजान की स्पेशल फोर्सेज ने हिस्सा लिया। इन मशकों को ब्रदरहुड का नाम दिया गया है। ISPR के मुताबिक 11 सितंबर से मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज हुआ है और ये 22 सितंबर तक जारी रहा। मुश्तरका फौजी मशकें खसूसी तौर पर इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से मुनक्किद की गयी। मुश्तरका फौजी मशकों का मकसद तीनों ममालिक की अफवाज में तआवुन बढ़ाना और तजर्बे की बुनियाद पर मालूमात का तबादला करना है। तुर्की और आजरबाईजान ने रवां साल के आगाज पर बाकू में 5 रोजा फौजी मशकें की थी। गुज़िश्ता साल अनकरा में तुर्क और आजरबाईजान की फौजी मशकें उस वक्त हुई थी जब आर्मेनिया की फौज ने आजरबाईजान के मकबूजा इलाकों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान और आजरबाईजान के दरमियान बाहमी एतमाद की एक तवील तारीख है। पाकिस्तान ने आर्मेनिया को बतौर रियासत तस्लीम नहीं किया। दोनों मुल्कों में तालुकात की खराबी की बुनियाद नगोर्नो कराबाख तनाजा है। नगोर्नो कराबाख का खिता बैन अल-क़वामी सतह पर आजरबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, मगर आर्मेनिया ने इसकी 7 अजला पर कब्जा कर रखा है। 2016 के आखिर में आर्मेनिया और पाकिस्तान के तालुकात में मजीद खराबी आई जब आर्मेनिया ने रूस की ज़ेरे क़यादत इज्तमाई सलामती मुआहिदा ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO की पार्लिमानी असम्बली में मुबसरीन की हैसियत से पाकिस्तान की दरख्वास्त को वीटो किया। यूं आजरबाईजान और पाकिस्तान और ज्यादा करीब हो गए। आजरबाईजान पाकिस्तान के लिए आजर भाई जान बन गया। पाकिस्तान इन पहले ममालिक में शामिल था जिन्होंने आजरबाईजान को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया। पाकिस्तान ने अक़वामे मुत्तहिदा में नगोर्नो कराबाख के मामले पर आजरबाईजान के मौकफ की भरपूर हमायत की। नगोर्नो कराबाख का मामला कश्मीर की तरह का है। जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ और आजरबाईजान को आज़ादी मिली तो इसके सूबे नगोर्नो कराबाख पर जबरदस्ती आर्मेनिया ने कब्जा कर लिया। उस वक्त से मुसलसल दोनों ममालिक में लड़ाई जारी है जो कभी तेज हो जाती है तो कभी सुस्त। कश्मीर की तरह नगोर्नो कराबाख की आबादी मुसलमान है। इस पर आर्मेनियन फौज ने बेपनाह तशद्दुद किया और मुकामी लोगों को हिजरत पर मजबूर कर दिया। हजारों मुसलमान शहीद कर दिए गए जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। 6000 लोग एक ही दिन में एक ही जगह पर शहीद किए गए। मस्जिद का तकद्दस पामाल किया गया। मारूफ तारीखी अकदम मस्जिद को जानवरों के बाड़े में तब्दील कर दिया गया, जबकि ऐसे हालात पैदा किए गए कि मुसलमानों का वहाँ जिंदगी गुजारना दोभर हो गया। ताहम आजरबाईजान के पास जंग के सिवा कोई और चारा नहीं था तो वो मुसलसल नगोर्नो कराबाख के लोगों के लिए हालात जंग में है। नाजरीन, आजरबाईजान के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसी सबब दोनों ममालिक में मुसलसल बाहमी तआवुन बढ़ रहा है।
इस वक्त अजरबैजान में जगह जगह पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं। लग रहा है कि पाकिस्तान में भी बहुत जल्द अजरबैजान के परचम लहराना शुरू हो जाएंगे। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की के वज़राए खारजा का इजलास हुआ। मुझे ये खबर देते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही कि तीनों ममालिक में दिफाई मुहायदा हो चुका है। तीनों ममालिक एक दूसरे से असलहा खरीदेंगे, एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस का तबादला होगा, 4G ट्रेनिंग होगी, हर तरह के दिफाई प्रैक्टिकल मामलात में तीनों साथ होंगे। नाजरीन, अब जो तीनों ममालिक के मबैन नई डेवलपमेंट सामने आई है, इसके मुताबिक पाकिस्तान का तुर्की और अजरबैजान के साथ बजरिया रोड राबता कायम हो गया। जो ममालिक के दरमियान तजारत के फरोग के लिए एक तारीखी पेशरफ्त है। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल यानी NLC ने तुर्की और अजरबैजान के लिए बैन अल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट TIR के तहत तजारती सामान भिजवाना शुरू कर दिया है और गाड़ियों का पहला काफिला भी कराची से इस्तांबुल और बाकू के लिए रवाना हो चुका है। तजारती सामान को बैन अल-अक़वामी सरहदों से तरजीही बुनियादों पर बिला ताखीर पार करना अब TIR के तहत मुमकिन हो सकेगा। NLC ऑफिशियल TIR ऑपरेटर की हैसियत से ताजर बरादरी को की तरसील के हवाले से खिदमात फराहम करेगा, जिससे दरामदी और बरामदी सामान की बरवक्त माल बरादरी यकीनी बनाई जाएगी। गुज़िश्ता दिनों TIR के तहत दोनों ममालिक के लिए काफिले की रवानगी के सिलसिले में कराची में बाकायदा तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें तजारती तंजीमों, दरामद बरामद कुनंदगान और सीनियर हुकाम ने शिरकत की। सेक्रेटरी कॉमर्स साले अहमद फारूकी ने इंटरनेशनल कार्गो सर्विस का इफ्तिताह किया। NLC की 8 से 10 गाड़ियाँ 40 फुट पर मुश्तमिल कंटेनर्स को लेकर तुर्की और अजरबैजान के लिए रवाना होंगी। 3 गाड़ियाँ ईरान से होती हुई गुरबोलाक सरहदी टर्मिनल से तुर्की में दाखिल होकर आखिरी मंजिल इस्तांबुल पहुँचेंगी। इस इनकलाबी कदम से इलाके की मंडियाँ आपस में जुड़ जाएंगी। कराची से इस्तांबुल का फासला 8 से 10 दिनों में तय किया जाएगा। इसके अलावा 2 मजीद गाड़ियाँ अजरबैजान भिजवाई जाएंगी, जो आस्तरा सरहदी टर्मिनल से होते हुए अजरबैजान के दारुल खलाफा बाकू पहुँचेंगी। ये गाड़ियाँ मस्कूरा फासला 7 से 8 दिनों में तय करेंगी। याद रहे कि बजरिया समंदर इस्तांबुल तक बरामदी सामान पहुँचाने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। ताहम TIR के तहत चलाई जाने वाली ये सर्विस खित्ते में मंडियों तक रसाई में इनकलाबी तब्दीली का पेश खैमा साबित होगी। इस सर्विस से कम लागत में तेज तरीन तरसील मुमकिन हो सकेगी और खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ जमीनी रास्तों की तजारत से मुआशी सरगर्मियों के फरोग में बेपनाह इजाफा मुतवक्के है। NLC मुस्तकबिल में दूसरी वस्ती एशियाई रियासतों और चीन तक बजरिया रोड माल बरादरी का इरादा रखता है। नाजरीन, तीनों ममालिक में कारोबार और सियाहत के शोबे में तावन के मुआहदे भी हो चुके हैं। तुर्की पाकिस्तान से मशाक तैयारे खरीद चुका है, अजरबैजान तैयारे और दूसरा असलहा खरीदने का इरादा रखता है। पाकिस्तान तुर्की से जदीद टैंक खरीदने वाला है। COVID-19 वैक्सीन के हवाले से भी तावन जारी है। इस्लामाबाद और बाकू के मबैन बरह रास्त परवाजों में बेहतरी आने वाली है। तीनों ममालिक के आवाम के वसी तर तालुकात का लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। कोरोना के कम होते ही सकाफती ताइफे भी आने जाने लगेंगे। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करें।